रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता, इसलिए हमेशा लाइफ में हमें मीनिंगफुल रिस्क लेने चाहिए, नए हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, डेली कुछ नया सीखना चाहिए, डेली हमारे माइंड को एक्टिव ग्रोथ फेज में रखना चाहिए, जिससे कि हमारी एक्टिव ग्रोथ हो, माइंड हमेशा एक्टिव रहे, जिससे कि हमें आलस ना आए और हम न्यू लर्निंग से अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं। तो ऐसे ही आज का जो हमारा न्यू लर्निंग है, न्यू स्टार कंसेप्ट एंड न्यू स्टार टॉपिक है, ये है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन द मैमल्स, कि मैमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। जैसे ह्यूमंस में देखें कि एक्स 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 वाई सिस्टम जो सेक्स डिटर्मिनेशन की सिस्टम है, जिसे क्रोमोजोमल लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड वाई, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आज हम डिस्कस करें मैमिलियन सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेल या फीमेल फॉर्मेशन, ये डिसाइड होता है ऑन बेसिस ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम। कि मेल में सपोज 44 ऑटोजोम प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम है, एंड फीमेल में 44 ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोजोम है। तो मेल एंड फीमेल में एक एक्स एक्टिव रहता है, कि जो कॉमन है, इसलिए एक्स क्रोमोजोम डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होता कि मेल फॉर्मेशन होगा या फीमेल। तो यहाँ पे जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, दैट इज द वाई क्रोमोजोम, एंड वाई क्रोमोजोम के ऊपर एक एस आर वाई रीजन होता है जो कि सॉक्स नाइन को एक्सप्रेस करता है, जिसे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी जेनाइटल रीज है, जेनाइटल रीज को सिग्नल दिया जाता है एस एफ वन, डब्ल्यू टी वन, एल एच एक्स नाइन एंड गाटा फोर से, एंड बाय पोटेंशियल गोनाड आइदर कन्वर्टेड इन टू द मेल, दैट इज टेस्टिस। अगर मेल बनेगा तो टेस्टिस बनेंगे, बाय पोटेंशियल गोनाड टेस्टिस में कन्वर्ट होगा, या फीमेल दैट इज ओवरी, तो वहां पे ओवरी फॉर्मेशन होगी। तो बाय पोटेंशियल गोनाड का जो सिग्नल है कि उसको टेस्टिस में कन्वर्ट होना है, मतलब मेल फॉर्मेशन करना है, या ओवरी में कन्वर्ट होना है कि फीमेल फॉर्मेशन करना है, ये डिसाइड होता है ऑन बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, एंड जिसमें वाई क्रोमोजोम मेजर रोल प्ले करता है। जैसे अगर 44 ऑटोजोम प्लस एक्स वाई है, एंड वाई क्रोमोजोम पे एस आर वाई रीजन एक्टिव है, तो एस आर वाई रीजन से टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एक्सप्रेस होता है, जिसे सॉक्स नाइन जीन बोलते हैं। एंड सॉक्स नाइन जीन एक्सप्रेस हुआ तो यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा मेल, तो यहाँ पे टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये डिसाइड हो गया कि यहाँ पे मेल एम्ब्रियो बनेगा। अभी मेल बनेगा तो टेस्टिस में दो टाइप के सेल्स बनते हैं, एक है सर्टोली सेल्स और एक है लिडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स एंड लिडिक सेल्स में इनको एस एफ वन का सिग्नल मिलता है। लिडिक सेल्स आगे जाके टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करती है, एंड टेस्टोस्टेरॉन वॉल्फियंग डक्ट को कन्वर्ट करता है मेल इंटरनल जेनाइटलिया में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेल इंटरनल जेनाइटलिया फॉर्मेशन हुआ, जिसमें इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो एक्स वाई क्रोमोजोम थे, वाई क्रोमोजोम से एस आर वाई से सॉक्स नाइन जीन एक्सप्रेस हुआ, जिससे कि टेस्टिस बनी, और टेस्टिस में आगे जाके सर्टोली सेल्स एंड लिडिक सेल्स बने। लिडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरॉन रिलीज किया, एंड यहाँ पे मेल इंटरनल जेनाइटलिया बनाया गया ऑल्फियन डक्ट से, एंड डीएचटी से यहाँ पे जेनाइटल ट्यूबरकल, यूरोजेनाइटल साइनस जो है, वहां से पेनिस, प्रोस्टेट एंड स्क्रोटम फॉर्मेशन किया गया। तो ये हुआ मेल में टेस्टोस्टेरॉन का रोल क्या है। तो मेल इंटरनल जेनाइटलिया, मेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया हम बोलते कि ये फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद जो सर्टुली सेल्स है, सर्टुली सेल्स ये एंटी मुलेरियन हार्मोन को रिलीज करते हैं, एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस करता है। तो जो फीमेल में मुलेरियन डक्ट फीमेल इंटरनल जेनाइटलिया बनाता है, वही मेल में रिग्रेस किया जाता है। तो ये हुआ मेल फॉर्मेशन की सिग्नलिंग। अभी अगर फीमेल फॉर्मेशन देखे, एंड सपोज क्रोमोजोम जो है वो 44 ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स है, मतलब वाई क्रोमोजोम अब्सेंट है। अगर दोनों एक्स क्रोमोजोम होंगे
तो यहां पे एक्सप्रेस होता है विंट फोर, विंट फोर के साथ साथ यहां पे एक्सप्रेस होता है रेस्पो वन एंड बीटा कैटेरिन। तो रेस्पो वन, विंट फोर, डेक्स वन हम बोलते हैं कि जो एक्सप्रेस होते हैं। एंड यहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि नाउ यहां पे फॉर्मेशन होगा फीमेल, तो यहां पे फीमेल का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। अभी जो फीमेल का एम्ब्रियो है, इस फीमेल के एम्ब्रियो में ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थीकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स, थीकल सेल्स से फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। एंड ये जो ईस्ट्रोजन है, अगर ईस्ट्रोजन बना तो यही मुलेरियन डक को कन्वर्ट करता है फीमेल इंटरनल जेनिटलिया में। तो यहाँ पे जैसे वॉल्फियन डक से मेल इंटरनल जेनिटलिया बना, वैसे फीमेल में मुलेरियन डक से फीमेल इंटरनल जेनिटलिया बनती है। जैसे यूटेरस, ओविडक्ट, सर्विक्स, अपर वजाइना, ये वाले पार्ट जो है वो फॉर्मेशन होते हैं। एंड दूसरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे जेनिटल ट्यूबरकल जो है ये फॉर्मेशन करेंगे, लेबिया, देन क्लोटोरिस, लोअर वजाइना। तो ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होंगे कि मेल एंड फीमेल के गोनेट्स फॉर्मेशन। तो बायपोटेंशियल गोनेट को सिग्नल जाता है एक्स वाई क्रोमोसोम में, तो वहां पे टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, वहां पे मेल का एम्ब्रियो बनेगा। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम में तो वहां पे फीमेल का फॉर्मेशन होगा। ये डिसाइड होता है ऑन बेसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन कि अगर एक्स वाई क्रोमोसोम में तो सॉक्स नाइन जीन एक्सप्रेस हुआ, इसलिए टेस्टिस बनी, फिर सर्टोली सेल, लीडिंग सेल बने एंड मेल का जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना, जिसमें मेल इंटरनल जेनिटलिया और मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्मेशन हुआ। एंड दूसरा, अगर 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम में, तो यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन होगा। इसमें विंट फोर, रेस्पो वन एंड बीटा कैटेरिन ये मेजर रोल प्ले करते हैं। विंट फोर जहां पे भी एक्सप्रेस होता है वहां पे ओवरी बनते हैं, एंड ओवरी आगे जाके ग्रैनुलोसा सेल, थिकल सेल बनाती है, वहां से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, एंड ईस्ट्रोजन फिर आगे जाके मुलेरियन डक्ट को फीमेल इंटरनल जेनिटलिया में कन्वर्ट करता है। ईस्ट्रोजन ही है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ मैमिलियन सेक्स डिटरमिनेशन में क्रोमोसोम लेवल सेक्स डिटरमिनेशन, एक्स 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 वाई सिस्टम कैसे काम करती है। तो ये हमेशा याद रखिए क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये हुआ हमारा मैमिलियन सेक्स डिटरमिनेशन में एक्स 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 वाई सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, जो कि मैमल्स में होता है, जो ह्यूमंस में होता है। तो ये आज का हमारा स्टार कंसेप्ट था। तो ये सीरीज आपको कैसे लगी, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, एंड आपको जो भी डाउट्स होंगे उनके सॉल्यूशन हम कमेंट बॉक्स में देंगे। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।